यूपी में कोरोना वायरस का संक्रमण अब डराने लगा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 3578 नए मामले सामने आए हैं। यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कल प्रदेश में 106,962 सैंपल की जांच की गई है। अब तक किसी भी प्रदेश में एक दिन में इतने टेस्ट नहीं किए गए हैं। प्रदेश में अब तक कुल 19,41,259 सैंपल की जांच की जा चुकी है। कल 5 सैंपल के 3803 पुल लगाए गए, जिसमें से 599 में पॉजिटिविटी देखी गई। 10 सैंपल के 270 पुल लगाए गए, जिसमें से 30 में पॉजिटिविटी देखी गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना जांच क्षमता में लगातार बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को सीएम ने हर जिला अस्पताल में रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था कराने को कहा है। मुख्यमंत्री ने सरकारी आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा कि 25 लाख तक की जनसंख्या वाले जिलों में प्रतिदिन 1000 से अधिक टेस्ट और 25 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों में 1500 से अधिक टेस्ट एंटीजन के माध्यम से कराए जाएं। उन्होंने कहा कि हर जिला अस्पताल में रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था हो, साथ ही ट्रूनेट मशीन के माध्यम से भी हर रोज 2500 से अधिक टेस्ट कराए जाएं। कांग्रेस ने राजस्थान में चल रहे राजनीतिक संकट को लेकर आज देश के सभी राज्यों में राजभवनों के सामने प्रदर्शन का ऐलान किया था। इसी कड़ी में यूपी कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अगुवाई में प्रदर्शन किया। लखनऊ में राजभवन के सामने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि यह लोग पार्टी कार्यालय से राजभवन के गेट पर धरना देने लगे और लोकतंत्र की हत्या बंद करो के नारे लगाने लगे। पुलिस के मना करने पर नहीं माने तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरन वहां से उठाकर बाहर कर दिया और फिर भी नहीं माने तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह से पहले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के एक मशविरे से विवाद शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे की ओर से राम मंदिर का भूमि पूजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराने का सुझाव दिया गया है। इस पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि मुझे उद्धव ठाकरे का बयान देखकर आश्चर्य हुआ है, जिसमें उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के लिए भूमि पूजन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराने का सुझाव दिया है। यह सुझाव केवल एक अंधविरोध की भावना से आया है। यह शिवसेना का कैसा पतन है, जिसे कभी बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व की राजनीति के लिए गढ़ा था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है। कानपुर पुलिस ने बेकनगंज क्षेत्र में घूम रही एक बकरी को गिरफ्तार किया है, क्योंकि बकरी ने मास्क नहीं पहना था। यह घटना वीकेंड में हुई है, जहां बेकनगंज पुलिस ने बकरी को उठाया और जीप में थाने ले गई। जब बकरी के मालिक को पता चला तो वह पुलिस स्टेशन पहुंचा। बकरी मालिक ने पुलिस से गुहार लगाई, जिसके बाद आखिरकार पुलिस ने बकरी को रिहा कर दिया। साथ ही पुलिस ने हिदायत दी कि वह जानवर को सड़क पर घूमने न दे।